कोरोना वायरस की वजह से देश की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगा है। इस वायरस के चलते अब तक 6000 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है, तो वहीं करीब 2 लाख से ज्यादा लोग इस वायरस के संक्रमित हैं। ऐसे में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए सरकार ने 14 मार्च से ही जिम, सिनेमा हॉल सहित अन्य स्थानों को बंद कर दिया था। इनके खुलने के अभी भी कोई आसार नहीं दिखाई दे रहे। जयपुर के शान राजमंदिर सिनेमा घर भी फिलहाल बंद है। इसका असर वहां आने वाले दर्शकों पर तो पड़ ही रहा है, साथ ही वहां काम करने वाले लोगों पर भी इसका असर पड़ रहा है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से शुरू हुआ लॉकडाउन, जिसमें सिनेमा घर से लेकर सभी चीजों को बंद किया गया था, उसके चलते अभी तक जहां कुछ चीजें खुल चुकी हैं तो वहीं सिनेमा घर अभी भी बंद पड़े हैं। मैं समय जयपुर के सबसे फेमस राजमंदिर सिनेमा घर में हूं। करीब 2 महीने पहले बंद पड़े राजमंदिर सिनेमा घर जो है वो अभी तक सन्नाटे के आगोश में समाया हुआ है। करीब 1976 में बने इस राजमंदिर सिनेमा घर को में मूवी देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं, लेकिन आज 2 महीने हो गए करीब राजमंदिर सिनेमा घर में सन्नाटा पसरा हुआ है, जिसका कहीं ना कहीं कारण कोरोना वायरस से हुआ लॉकडाउन रहा। लॉकडाउन के प्रथम चरण में बंद हुए सिनेमा घर अभी तक खुले नहीं है, जिसका कहीं ना कहीं असर कोरोना वायरस के बाद जो असर था वो अब जो उद्योगपति हैं, जो इससे जुड़े हुए लोग हैं और जहां एंटरटेनमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, उनमें भी इसका असर देखा जा रहा है। हमारे साथ राजमंदिर सिनेमाघर के प्रबंधक अशोक तंवर जी हैं। सर, कोरोना वायरस से लॉकडाउन शुरू हुआ था, उसके बाद इसको बंद किया गया था, अभी तक खोला नहीं गया, क्या कुछ आपका कहना है? मेरे ख्याल से खोल देना चाहिए। जब प्लेन आपने चालू कर दिया, उसमें 3 लोग एक साथ बैठ रहे हैं, 2 इधर बैठ रहे हैं, जैसे 3-3 सीट है तो 6 लोग बैठ रहे हैं, तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आपने मिठाई की दुकान चालू कर दी, आपने और सब कुछ चालू कर दिया। सिनेमाघर में तो ऐसा कुछ है ही नहीं जो भाई कोई चीज़ खा के बीमार होगा आदमी, और वन तो पहले भी चेक करके अंदर जाने दे रहे थे लोगों को, और आज भी वही सिस्टम रखेंगे जो सरकार ने दे रखा है। लेकिन इसके लिए मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि इतने बड़े बड़े हीरो हीरोइन डायरेक्टर, कोई 400 करोड़ रुपए ले रहा है, कोई 200 करोड़ रुपए ले रहा है, एक हीरो ने, एक डायरेक्टर ने, एक प्रोड्यूसर ने, एक सिनेमा मालिक ने, ना एक डिस्ट्रीब्यूटर ने पूछा सिनेमा कर्मचारियों का हाल क्या है, क्या कितनी बुरी हालत है आपको मैं बता नहीं सकता। किसी को 8000 तनख्वाह मिलती है, किसी को 10000 तनख्वाह मिलती है, लास्ट 30000 तनख्वाह है कर्मचारी की, और उसके बच्चों की तो उसकी क्या हालत है वो तो भगवान जानता है या वो खुद जानते हैं। सर, आपने एक बात कही कि फिल्म डायरेक्टर से लेकर मूवी एक्टर तक कोई भी इसको लेकर सवाल नहीं उठा रहा है, कहीं ना कहीं आप इसको असर डिजिटल वर्ल्ड को तो नहीं मानते? कि अभी देखते हुए आप देख सकते हैं कई मूवीज थी, जैसे अंग्रेजी मीडियम 13 मार्च को रिलीज हुई थी और 14 मार्च को सिनेमाघर बंद हुए थे, उसके बाद अंग्रेजी मीडियम को हॉटस्टार पर लॉन्च किया गया, इसको आप कहीं ना कहीं असर मानते हैं कि सिनेमाघर नहीं खोले जा रहे हैं, लोगों को इससे फर्क नहीं पड़ रहा? देखो, उससे कोई ज़्यादा पब्लिक तो आनी नहीं, जिनकी आदत पड़ी है सिनेमा हॉल में देखने की वो सिनेमा हॉल में आएगा, वो से कुछ लोग देख सकते हैं 30%, 20%, बाकी तो 100% जनता तो सिनेमा में आएगी, लेकिन उनको कोई परवाह नहीं है। इन कर्मचारियों के बेचारे की जो आपको यहाँ शो कर रहे हैं, भाई आप तो बड़ा के पिक्चर भेज देते हो, प्रोड्यूसर डायरेक्टर सब अपना अपना काम, लेकिन असली काम करने वाले तो कर्मचारी हम लोग ही हैं ना। लेकिन एक आदमी ने नहीं पूछा, आज 2 महीने हो गए कि तुम्हारे घर में अनाज है, तुम्हारे घर में के बच्चे कैसे चल रहे हैं। सबसे बेकार लोग मैंने जो अगर मेरी लाइफ में देखा ना, तो इन लोगों को देखा। नेता भी कहीं जा रहे हैं पूछ रहे हैं, और भी कहीं जा रहे हैं, लेकिन डायरेक्टर प्रोड्यूसर हीरो हीरोइन ताले बंद करके बैठे हैं, कोई परवाह नहीं है इनको। इनका जो टाइम आएगा तो कमाई शुरू कर देंगे, लेकिन उन कर्मचारियों बेचारियों को कोई परवाह नहीं है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अशोक तंवर जी ने जो बात कही, उन्होंने फिल्म डायरेक्टर से लेकर मूवी एक्टरों पर सवाल उठाया, क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना है कि फिल्म सिनेमा को खोलने के लिए कहीं ना कहीं डायरेक्टर और मूवी एक्टर्स को बात उठानी चाहिए, और जो यहां पर काम करने वाले कर्मचारी हैं उनके बारे में भी सोचना चाहिए। मैं कैमरा पर्सन रामकिशन सैनी के साथ ऋषभ पांडे, A1 TV News, जयपुर।